वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक ब्लॉक ओरिजिन से चला तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू तक गया तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। और मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो 3x है। जबकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए मैंने हमेशा ये बोला कि फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो 10 है तो 10 है, 15 है तो 15 है, 20 है तो 20 है। तो जब फोर्स कांस्टेंट थी तो मैंने एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा में एफ पुट किया, एस पुट किया, थीटा पुट किया, आंसर आ गया। यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ये बोलता हूँ कि फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब समझते हो, एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो फोर्स कितनी है, जीरो। एक्स को जीरो पुट करके देखो, फोर्स जीरो है। अगले इंस्टेंट पर एक्स मान लो 0.5 है, 0.5 पे 3 × 0.5 है, फिर एक्स की वैल्यू 0.6 है, 3 × 0.6 है, 3 × 0.7 है, फिर करते करते एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर 6 न्यूटन है। हर इंस्टेंट पर फोर्स अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज। अब एक प्रॉब्लम है, अगर फोर्स अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है तो रास्ते में इमेजिन करो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आई होगी और मैं उसका नाम रखता हूँ dx। वो क्यों? क्योंकि अगर ये x एक्सिस है, हमने इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर यही किया था, जब प्लस वन में फर्स्ट लेक्चर था यही लेक्चर था कि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, dx। तो अगर मैं स्मॉल इंटरवल लूँ dx के अंदर जब ये बॉडी यहाँ ट्रैवल करेगी तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आएगा, बोलो बोलो, यहाँ पर एफ इंटू dx आएगा, एफ इंटू dx आएगा। जब ये बॉडी यहाँ पे आएगी, इमेजिन करो यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी तो होगा ना, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू dx होगा या df इंटू dx होगा, कि डिस्प्लेसमेंट छोटी है तो फोर्स भी छोटी होगी, बोलो df इंटू dx होगा कि एफ इंटू dx होगा, एफ इंटू dx होगा कि df भी हो सकता है, df हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो एक बेंच, एक ट्रक खड़ा है, तुम ट्रक को रिक्वेस्ट करते हो यार मैं तुमको डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, वो पूछता है कितना, तो बोलते हैं तुम बोलते हो सिर्फ 0.1 mm, बस इतना, तो वो क्या कहेगा, तुम मेरे पे छोटी फोर्स लगा लो मैं डिस्प्लेस हो जाऊँगा, वो कहेगा फोर्स तो बराबर लगेगी, तुम्हारा वर्क डन छोटा होगा वो मेरी हेडेक नहीं है, पर तुम मुझे अगर हिलाना चाहते हो फोर्स तो बराबर लगेगी, चाहे तुम 1 cm तक डिस्प्लेस करवा लो, चाहे तुम 1 km तक डिस्प्लेस करवा लो, फोर्स कभी छोटी नहीं होगी, फोर्स उतनी ही रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा, एफ dx ही आएगा, dx छोटा हो सकता है, और dx छोटा होने की वजह से f राइट की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, dx भी राइट की तरफ है, तो वर्क डन छोटा आएगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, f इंटू dx। अब मैं ये क्यों करके दिखा रहा हूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं सीधा क्यों नहीं करके दिखा रहा, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर फोर्स कुछ और है और अगले स्मॉल इंटरवल में फोर्स कुछ और है, अगले स्मॉल इंटरवल में फोर्स कुछ और है, तो dW की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप एलिमेंट राइट की तरफ जाते जाओगे, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन छोटा होगा क्योंकि फोर्स यहाँ पर छोटी है, अगले इंटरवल में बड़ा होगा, अगले में बड़ा होगा, अगले में बड़ा होगा, अगले में बड़ा होगा, अगले में बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप जितने भी क्वेश्चन वेरिएबल फोर्सेस के हैं या कोई भी अगर क्वांटिटी वेरिएबल होती है, आप उनको बिना इंटीग्रेशन के कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको छोटे छोटे वर्क डन्स को निकाल के उनको मिलाना है, और मिलाने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना है। तो याद रखना, जब फोर्स की वैल्यू वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, आप सीधा एफ डी एस या एफ एस कॉस थीटा नहीं लगा सकते। वेरिएबल फोर्स में आपको हर हालत में क्या यूज़ करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं आने वाले टाइम में, अब टाइम आ गया है, अब आने वाले चैप्टर्स में ना आप ये नोट करेंगे, अगले 2 महीने मैं किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में इंटीग्रेशन लगाता हूँ और कभी कभी कहता हूँ इंटीग्रेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यही फैसला किया जाता है, कैसे फैसला करते हैं, अगर फोर्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, एफ इंटू एस इंटू थीटा आंसर आएगा, पर अगर फोर्स वेरी कर रही है तो 100% इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल चीज़ों को मिलाने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो पहले आप क्या निकालेंगे ऐसे केस में, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये जो एलिमेंट लिया आपने, इमेजिन करो ये एलिमेंट आपने ओरिजिन से कितनी दूरी पे लिया, एक्स दूरी पे लिया, तो बना लें दिस इज एक्स। ये एलिमेंट आपने कहीं भी ले सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो होता ही होगा,
अब एक्स की वैल्यू क्या होगी वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने इन जनरल लिख लिया कि मैंने कोई एक्स कोऑर्डिनेट होता होगा जहां पर ये डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर किया, और मैंने क्या निकाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए काम करना पड़ेगा, पहले एफ की वैल्यू कितनी है, 3 × x, यही है ना, 3x dx, पुट कर दो। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया इन कैरिंग अ बॉडी विद अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन मिलाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स मुझे बताएंगे। यहां पर वर्क डन, जब बॉडी चली थी तो कोई वर्क डन ना था तो वर्क डन 0, एंड पे आके वर्क डन कितना हो गया, w। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x की यहां पे लिमिट क्या लगेगी, जब बॉडी चली थी तो x क्या था, 0, और जब एंड में आ गई तो x क्या है, 2। तो 0 से लेके 2 ये लिखें, 0 से लेके 2। तो इसके अंदर आप इसे इंटीग्रेट करें, 1 dw, तो w होता है 0 से लेके w, और 3x की इंटीग्रेशन x² / 2 0 से लेके 2। तो ये ऑब्वियसली अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो w ही आएगा, ये तो शॉर्टकट हमें पता ही है, 3 एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ से सॉल्व करके w की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2 से 2 कट गया, कितना, 6 जूल आंसर। आपको मेथड समझ में आया, जो अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे पहले वो कांस्टेंट फोर्स के थे, उनमें बिल्कुल भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। पर कोई स्टूडेंट कहता कि अगर मैं गलती से उसमें भी इंटीग्रेशन लगा दूं, देखो इंटीग्रेशन कभी भी गलत रिजल्ट दे ही नहीं सकती। आप इंटीग्रेशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप बिना इंटीग्रेशन के करेंगे हो सकता गलत भी हो जाए, क्योंकि जिनमें वेरिएबल फोर्स है और तुमने इंटीग्रेशन नहीं लगाई आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने रूल बना लिया, अगर फोर्स कांस्टेंट है इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे क्वेश्चन शॉर्टकट में हो जाएगा, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन लगाएंगे। यहां तक क्लियर है कि क्वेश्चन कैसे करना है, सही है? इंटीग्रेशन सबको आती है, तो फिर बुक्स क्या करती हैं, सुन लो, एक फॉर्मूला नोट करो बुक्स में, ऐसे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ वेरिएबल फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, ये फॉर्मूला बुक्स में लिखा हुआ है। अब आप समझ में होंगे क्यों, इन केस ऑफ एफ इज अ वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स की फॉर्म में बुक्स ने फॉर्मूला ही बना दिया। वो कहते हैं जी एफ की वैल्यू जो भी गिवन होगी यहाँ पुट कर देना, और यहाँ पर पुट करके इंटीग्रेट कर लेना इनिशियल और फाइनल लिमिट्स लगा के, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है? एक्स एफ इनिशियल लिमिट एक्स आई एक्स एफ इनिशियल टू फाइनल ऐसे, ठीक है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये समझ में आ रहा है। तो मैंने पहले इसका एग्जांपल दिया, फिर मैंने फॉर्मूला बना के दिखाया ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। तो अभी जैसे सपोज करो क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी मान लो यहाँ पे थी और यहाँ पे आ गई, और मान लो मैंने फोर्स की वैल्यू कितनी लगाई, मैंने फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन लगाई, और बॉडी x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 पे आ गई, और मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लो, क्या होगा? तो आंसर क्या है, 10 जूल। कितने लोग बोलते हैं 10 जूल होना चाहिए, हाँ 10 लग रहा है मुझे भी, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, एफ इंटू एस लगा लो, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है, इसमें मत लगाना इंटीग्रेशन, मैंने फोर्स को तो कांस्टेंट ही दे दिया ना, मैंने कौन सा 10x या 10 कुछ भी वेरिएबल तो है ही नहीं। तो आप सिंपली इसमें लगाएं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल तो 0 होगा
क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स की जगह 10 लगाएं, डिस्प्लेसमेंट 2 में से 1 गया, 1 है, तो आंसर 10 जूल है। कोई स्टूडेंट कहता है यार मैं तो भूल ही गया अब, क्योंकि मेरे को तो आदत होगी इंटीग्रेशन की, तो मैंने तो आपका वाला फॉर्मूला लगा दिया। मैंने कहा कौन सा? कहता जो आपने अभी लिखवाया था वर्क डन का एफ डी एक्स वाला। और मैंने कहा लिमिट क्या लगाई? कहता जो आपने बोला था इनिशियल 1 फाइनल 2, तो मैंने कहा एफ क्या पुट किया? कहता 10। तो जब उसने ये वैल्यू को पुट किया 1 डी एक्स बचा 1 से लेके 2 तक, और जब लिमिट्स पुट करेंगे आंसर फिर से क्या आएगा? तो तुम अगर इंटीग्रेशन लगा दोगे गलती से, उससे तो 100% क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। हाँ इससे हो जाए मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि कॉन्स्टेंट फोर्स है कि नहीं। तो ये नोट कर लें, पॉइंट समझ में आ रहा है, कैसे भी कर सकते हैं विद और विदाउट इंटीग्रेशन, लेकिन ये कब? जब फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट, तब फिर तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन की ज़रूरत है ही नहीं। तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा और अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है, मैं क्यों करूँगा इंटीग्रेशन? मैं सीधे ही मार्क कर दूंगा, डन। पर अगर फोर्स वेरिएबल हुई, फिर मैं इंटीग्रेशन के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। F की वैल्यू बोलो 3x है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है, हाँ कॉम्पोनेंट F cos थीटा लेके करेंगे, क्योंकि साइन थीटा कॉम्पोनेंट तो वर्क डन 0 दे देगा ना, फायदा नहीं होगा उसका, तो पॉइंट है। ठीक है, जैसे सपोज तो एक बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई और मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई वो लगाई x+1, और बॉडी 2 मीटर से 3 मीटर तक डिस्प्लेस हो गई, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये क्वेश्चन है। वर्क डन सर्कुलर से बेटर लगेगा, क्योंकि लीनियर है ना, सीधा चलता है, और कुछ 9th क्लास जैसा फील भी देता है, तो थोड़ा बेटर फील करवाएगा। चेक करने दो। ठीक है, तो इसमें एफ डी एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, लिमिट लगेगी 2 से लेके 3 तक, एफ की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x+1 डी एक्स है 2 से लेके 3 तक, इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक, इसकी इंटीग्रेशन x2/2 2 से लेके 3 तक, और इसकी x 2 से लेके 3 तक। तो आप इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर दें, 3 का square by 2 -2 का square by 2 +3 -2 कितना आ रहा है? 3.5 जूल।